बेटा जल्दी ज्वाइन करो पांच छह मिनट बाद में स्टार्ट कर दूंगा थ्री फोर्टी पे ठीक है आप लोग ज्वाइन कर लो करो जल्दी से मैं तो आज आपको थोड़ा सा काम और देंगे जल्दी ज्वाइन करो Yeah.

चलो बेटा जल्दी ज्वाइन करो बस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी उप, अभी ऊपर ही आएगा ऊपर ही आएगा मेरा नहीं भाई स्टार्ट ही कर दो स्टार्ट ही कर दो बैठा तो तो पड़ा है मीनिंग ऑफ इक्लिब्रम का मतलब होता है फोर्सेस का सम जीरो ठीक है ये बता रहा हूँ भी इक्लिब्रम का मतलब होता है फोर्सेस का सम जीरो लेकिन अभी आपको इक्लिब्रम वाले सवाल नहीं करने हैं ठीक है ध्यान रखना जो क्वेश्चन मैं दूंगा सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोई बात नहीं डाउट्स अभी एक दो दिन मिलेंगे जरा थोड़ा सा पढ़ा लें आगे बढ़ जाएं और काम दे दें तब डाउट्स लेंगे एक साथ और डाउट्स के लिए बता दूंगा अगर अभी आपको डाउट क्लियर करने तो आप टीचर्स को भेज देना मैं नाम बता देता हूँ अभी हाँ, डाउट्स क्लास है तो उसमें डाउट क्लास में पूछ लो आप बेटा कोई दिक्कत नहीं है देखो अब मैं आपको बताऊं आप अपने क्वेश्चन इन चार लोगों से पूछ सकते हो बता रहा हूं एक रेहा मैडम का नंबर होगा है नंबर ग्रुप में रेहा मैम का है या नहीं है, है ना इनको आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो रविशंकर सर होंगे है या नहीं है बिल्कुल है ठीक है एक आकिब सर का नंबर होगा आदिल सर ठीक है और एक प्रेम गंगवार सर का नंबर होगा सबसे ज्यादा आप इनको भेजो इनको भेजो और इनको भेजो ठीक है इतनी बात क्लियर है क्लियर भाई बात समझ में आ गई ठीक है व्हाट्सएप करोगे ये लोग तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे ठीक है आप चिंता ना करो ठीक चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हम कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है ना मैं नंबर फिर से डाल दूंगा ग्रुप में चिंता ना करो आज ही डाल दूंगा चिंता ना करो सबके नंबर डाल दूंगा ठीक है जितने फिजिक्स के टीचर्स हैं चलो अब हम कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसे जल्दी से और स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तो इसका मतलब क्या बेटा ध्यान सुनो हमारे पास दो वेक्टर हैं एक वेक्टर ये है ए और एक है ये बी ठीक है अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे तीन चीजें पता होनी चाहिए ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ए और बी के बीच का एंगल पता होना चाहिए कि नहीं जल्दी बताओ ठीक है अब ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज आर वेक्टर अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है आर वेक्टर तो सबसे पहले इसका मुझे क्या बताना है मैग्नीट्यूड बताना है फिर इसका क्या बताना है डायरेक्शन बताना है तो पहले मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया था आर का मैग्नीट्यूड होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी यस सुनो Yes no, जल्दी बताओ भाई ठीक है अब दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है ध्यान से देखो अब डायरेक्शन के लिए वी यूज राइट हैंड थंब और कर्ल रूल राइट हैंड थम या कर्ल रूल यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए ठीक है इतनी बात आप कैसे करते हैं मैंने बताया हुआ आपको जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी तरफ अपना राइट हैंड पाम रखेंगे ठीक है इतनी बात या स्क्रू रूल कुछ भी कह लो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपना क्या रखेंगे राइट हैंड पाम रखेंगे ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे सेकंड की तरफ अंगूठा आपका r वेक्टर का डायरेक्शन देगा यानी कि इस केस में अंगूठा कैसा आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है दिस इज r कैप डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर या इसी डायरेक्शन में r वेक्टर होगा अब r वेक्टर को हम लिखेंगे क्या a क्रॉस b कैन बी रिटन एज r वेक्टर एंड r वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ r इनटू व्हाट r कैप ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जल्दी बताओ मुझे यस और नो जल्दी बोलो बेटा ठीक है यानी कि हम क्या लिखेंगे आर वेक्टर को हम लिखेंगे आर वेक्टर को या ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल कैसा डॉट डॉट मतलब कैसा डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डॉट का मतलब क्या होता है बेटा आउटवर्ड बताया मैंने ऐसा इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ तो दिस इज व्हाट आउटवर्ड तो आपके पास आर वेक्टर का डायरेक्शन आ गया बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ और मैग्नीट्यूड कितना ए थीटा अब अब रुको मिनट और मजेदार बात देखो जो आपका वेक्टर है वो ऐसे बाहर की या नहीं जल्दी बोलो बी के परपेंडिकुलर है यानी कि ये इस ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज डिकुलर टू ए वेक्टर, आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर या आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर ये बात क्लियर हो गई सबको अगर क्लियर हो गई तो यस लिख दो फटाफट जल्दी से ठीक है कोई डेरिवेशन नहीं है भाई इसकी ठीक है इतनी बात ये रूल है इसी तरीके से आपको करना है आर वेक्टर हमेशा बाहर आएगा ए क्रॉस बी में तो बेटा बाहर ही आ रहा है ठीक है थम रूल लगा के देख लो ए क्रॉस बी में किधर आ रहा है बाहर आ रहा है ठीक है इतनी बात हो गया नोट कर लिया सबने ये नोट कर लिया बेटा नोट कर लिया ठीक है अब अब थोड़ा सा हम अलग बात करते हैं ठीक है मिटा दू ये सब ठीक है तो अब हमारे पास a क्रॉस b इज r वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आर कैप और आर कैप का डायरेक्शन कैसा डॉट डॉट मतलब बाहर की तरफ ये हम निकाल चुके हैं निकाल चुके कि नहीं जल्दी बताओ निकाल चुके कि नहीं ठीक है अब अब आते हैं हम क्या निकालने जा रहे हैं बी क्रॉस ए अब हम क्या निकालने जा रहे हैं बी क्रॉस लेट इट बी पी वेक्टर क्या मान लिया इसे मैंने पी वेक्टर मान लिया ठीक है क्लियर भाई बी क्रॉस ए को हम पी वेक्टर कह रहे हैं अब मेरी बात सुनो पी का मैग्नीट्यूड पी का मैग्नीट्यूड होगा बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा यही होगा कि नहीं होगा जरा जल्दी बताओ मैग्नीट्यूड यही होगा कि नहीं होगा भाई बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा ठीक है इतनी बात अब अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि पी का मैग्नीट्यूड और आर का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है बराबर है या नहीं है पी और आर का मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताओ आ रहा है बेटा कि नहीं बोलो भाई अरे P का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा और R का क्या है ए बी साइन थीटा तो बराबर ही हूँ तो ठीक है अब हम P की डायरेक्शन की बात करें P के डायरेक्शन में पहला वेक्टर कौन है B है तो मैं राइट हैंड पाम कैसे रखूंगा B की तरफ ऐसे रखूंगा B की तरफ यस जल्दी बोलो B की तरफ रखूंगा कि नहीं रखूंगा और B की तरफ रख के फिंगर्स को कर्ल करूंगा A की तरफ अंगूठा किधर जा रहा है जल्दी बताओ अंगूठा किधर जा रहा है अंगूठा किधर जा रहा है बी क्रॉस ए करके अंगूठा किधर जा रहा है इनवर्ड तो ये जो पी वैक्टर है ये कैसा आया इनवर्ड आया पी कैप अंदर की तरफ आया कि नहीं आया हाँ या ना तो अब हम पी वेक्टर को क्या लिखेंगे पी का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा इन पी कैप विच इज क्रॉस हा या ना विच इज क्रॉस यानी कि इनवर्ड मानते हो यानी मानते हो मानते हो भाई जल्दी बोलो अब एक मिनट अब ध्यान सुनना यहीं पर कैच है आपका आर कैप यूनिट वेक्टर है आर कैप क्या है एक यूनिट वेक्टर आर कैप की डायरेक्शन क्या है जल्दी बताओ आर कैप की डायरेक्शन क्या है जल्दी बताओ आर कैप इज अट वैक्टर और उसका डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड पी कैप इज ऑल्सो यूनिट वैक्टर पी कैप इज ऑल्सो यूनिट वैक्टर पी कैप का डायरेक्शन क्या है इनवर्ड्स अब एक बात बताओ आर कैप और पी कैप दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है या नहीं है दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं या नहीं डायरेक्शन कैसी है दोनों की डायरेक्शन कैसी है दोनों की आपस में अपोजिट तो अब जरा देखो यहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ आपको अगर दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं नेगेटिव वेक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं पढ़ाता है कि नहीं पढ़ा हुआ है हमने तो मैं क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ और अगर आप वैसे भी देखो वर्ड से भी देखो ये बाहर ये अंदर अंदर और बाहर अपोजिट वर्ड्स हैं या नहीं अंदर और बाहर अपोजिट वर्ड्स हैं या नहीं तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई कि नहीं हो गई ठीक है तो मैं क्या कह सकता हूं आई कैन राइट पी कैप कैप माइनस आर लिख सकता हूं कि नहीं जल्दी बताओ पी कैप एज माइनस आर कैप लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं तो जरा देखो अब क्या हुआ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा आर कैप क्रॉस ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं पी कैप की जगह मैंने माइनस आर कैप लिख दिया मैंने सिर्फ क्या करा पी कैप की जगह माइनस आर कैप लिख दिया कोई दिक्कत है बेटा जल्दी बोलो कोई डाउट है किसी को नहीं है अब आप एक चीज देखो अगर आप इस वाले वेक्टर को देखो और इस वाले वेक्टर को देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को दोनों वेक्टर्स को देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है या नहीं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए के बराबर लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं जल्दी बोलो नहीं लिख सकता भाई दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है नहीं लिख सकता ये नेगेटिव वेक्टर है भाई एक बात बताओ 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 अगर आप क्या क्या P P लिख 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 सकते 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 हो 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 जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते, क्योंकि बराबर नहीं है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है डायरेक्शन क्या है अपोजिट है ठीक है इतनी बात तो इसका मतलब क्या हो गया भाई दिस इज वॉट आर दिस इज पी ये दोनों बराबर नहीं हो ये दोनों बराबर नहीं है हाँ या ना? ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं और बराबर नहीं आ रहे हैं तो इससे एक चीज पता चल रही है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव हाँ या ना डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते थे लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख पा रहे हैं yes लेकिन एक चीज कर सकता हूं मैं एक चीज क्या कर सकता हूं बेटा देखो एक मिनट मैं ये कर सकता हूं अगर मैं इसके सामने माइनस साइन लगाऊं तो यहां भी माइनस आ जाएगा दोनों प्लस पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा राइट साइड अगर मैं ऐसा कर दू माइनस बी क्रॉस ए कर दू माइनस बी क्रॉस ए करते ये प्लस हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ बोलो बेटा अगर मैं इसके सामने माइनस लगा दूं तो प्लस हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और होना भी चाहिए क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं अपोजिट हैं तो दो वेक्टर अगर नेगेटिव वेक्टर होते हैं तो एक के सामने माइनस लगा के दूसरे के बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं जल्दी बताओ ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने नोट करो इस बकवास को नोट करो इस चीज को नोट करो बेटा जल्दी से और आज आपका काम और बढ़ जाएगा ठीक है हो गया भाई डन डन बढ़िया जल्दी नोट करो प्राची नोट करो बेटा जल्दी से प्राची हो गया प्राची डन आगे बढ़ जाऊं प्राची लड़की नहीं हुआ अभी तक जल्दी कर फिर हो गया अब तो हो गया हो गया बच्चों चलो अब आगे देखते हैं अब एक चीज और देखते हैं अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसे लिखा है तो आप क्या करेंगे बेटा आप क्या करो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी

क्लियर है भाई ठीक है तो क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव अब मेरी बात सुनो नोट कर लिया नोट कर लिया भाई सबने नोट कर लिया बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं अब देखो भाई अगर मुझे कहा जाए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर या रुको एक मिनट हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो या नल वेक्टर क्यों बता रहा हूं सुनो एक मिनट अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा जल्दी बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स जल्दी बोलो जीरो तो साइन जीरो कितना होता है साइन जीरो कितना होता है जीरो होता है चैतन्य हाँ, होता है कितना होता है साइन वन एट्टी कितना होता है बेटा जीरो होता है ठीक इतनी बात। तो इसलिए है, है? है, है। ठीक इतनी बात। तो वो भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा क्लियर है तो अगर दो वैक्टर पैरल या एंटी पैरल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा जीरो होगा बात समझ में आ गई भाई सबको बच्चों सबको समझ में आ गई बात ठीक है अब मेरी बात सुनो हो गया इतना अब दूसरी चीज आती है हमारे पास ए क्रॉस ए अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं वट विल बी ए क्रॉस ए जल्दी बताओ वट इज ए क्रॉस ए कितना आएगा अभीर ने सही बोला है तनिषा ने सही बोला है गुड बाकी लोग दक्ष ने गलत बोला है ए क्रॉस ए दक्ष ने बिल्कुल गलत बोला है और कोई अभीर और तनिषा ने सही बोला है मोहित ने सही बोला लक्ष्य ने, ने सही बोला है सभय ने सही बोला है ठीक है बेटा दक्ष एक बात बता ए और लवनया गलत बात सुनो एक मिनट ए और ए सेम वेक्टर है या नहीं है दोनों सेम वेक्टर है कि नहीं है दोनों सेम वेक्टर है कि नहीं लवनया जल्दी बता प्राची गलत बात कोमल सुन लो पहले मेरी बात आंसर मत दो अब गलत आंसर दे रहे हो सारे के सारे ए और ए दोनों सेम वेक्टर हैं कि नहीं है प्राची प्राची दोनों में एंगल कितना है ए और ए के बीच में इस वाले और इस वाले ए के बीच में एंगल कितना है प्राची बताएगी प्राची बताएगी जल्दी से प्राची और मोहित बोलो बेटा जल्दी से जीरो है और ये क्या पढ़ के आ रहे हैं हम अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो उनके बीच उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो होता है कि नहीं होता है साइन जीरो जीरो आएगा कि नहीं आएगा प्राची मोहित ए क्रॉस ए क्या आ गया जीरो अच्छा एक और चीज ए कैप क्रॉस ए कैप ये कितना आएगा बेटा ए कैप क्रॉस ए कैप दक्ष तो मार खाएगा मेरा हाथों अरे यार क्या कर रहे हो जीरो आएगा अभी अच्छा बच्चा है अच्छी है हाँ या ना ठीक है इतनी बात अब देखो भाई जीरो आएगा क्यों क्योंकि ए कैप और ए कैप सेम वेक्टर हैं तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है जीरो होता है तो साइन जीरो अगेन क्या हो गया जीरो हो गया कल पढ़ाया था तब भी नहीं कर रहे हो और अगर मैं ए डॉट ए लिखूं ए डॉट ए कितना आएगा जल्दी बताओ ए डॉट ए कितना आएगा अभीर गलत बात हार्दिक गलत बात ए आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में एंगल कितना जीरो तो ए का मैग्नीट्यूड ए दूसरे वाले का एस जीरो कल कराया था मैंने और अभी भी गलत कर रहे हो एक कैप डॉट एक कैप कितना आएगा वन आएगा ये yes यसोनो no? कराया था कल ठीक है चलो अब आते हैं हम अब आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट नोट कर लिया है नोट कर लिया भाई अब लिखो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है जैसे डॉट प्रोडक्ट का था प्रोजेक्शन लेंथ निकालना तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है अब हम वो जानना चाहते हैं तो देखो जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ़ क्रॉस प्रोडक्ट लिखो लिखो क्रॉस प्रोडक्ट चलो रुक जाओ उसको लिखने से पहले लिख लिया सबने हेडिंग डाल ली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डाल लिया सबने ठीक है अब मुझे आप लोग ये बताओ एरिया कैसी क्वांटिटी है एरिया कैसी क्वानिटी स्केलर या वेक्टर एरिया कैसी क्वांटिटी है स्केलर या वेक्टर जल्दी बताओ श्वेता स्केलर लिख रही है सब लोग स्केलर लिख रहे हैं एक बच्चे ने वेक्टर लिखा है किसी ने ठीक है चलो अब मैं बता रहा हूं लिखो एरिया एरिया सरफेस एरिया लिखो सरफेस एरिया कैन बिहेव एज स्केलर एज वेल एज वेक्टर व्हेन रिक्वायर्ड लिखो सरफेस एरिया कैन बिहेव एज स्केलर और वेक्टर व्हेन रिक्वायर्ड तो एरिया स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई भाई जो टेंथ तक आपने एरिया पढ़ा है वो स्केलर पढ़ा है हाँ या ना टेंथ तक आपने जहां भी एरिया को यूज करा है स्केलर जैसा यूज करा है लेकिन इलेवेंथ ट्वेल्थ में ज्यादा तो ट्वेल्थ में आप बहुत जगह पर एरिया को एज अ वेक्टर क्वान्टिटी यूज करोगे बताऊंगा भाई जब यूज करेंगे तब पता चलेगा क्यों यूज कर रहे हैं ठीक है तो ट्वेल्थ क्लास में बहुत सारी जगह पर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी जैसा यूज करेंगे सरफेस एरिया को जब भी एरिया किसी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है इतनी बात इनके साथ जब एरिया इंटरेक्ट करेगा तो एरिया विल बिहेव वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है भाई अरे क्लियर है तो एरिया स्केलर भी हो सकता है वेक्टर भी हो सकता है जैसा उसकी रिक्वायरमेंट है जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हो जाएगा अब अब क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है लिखो जरा क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ एनी फिगर क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ एनी फिगर किसी भी फिगर का सरफेस एरिया निकालने के काम आता है क्लियर है भाई नोट कर लिया सबने अब कैसे आता है वो अभी हम देखते हैं उसको अभी हम देखते हैं कैसे करना है लेकिन पहले तो आपने नोट कर लिया है सब ठीक है अब मेरी बात सुनो ठीक है आपके पास ये पैरेललोग्राम है है पैरेललोग्राम हाँ या ना चलो ये एक वेक्टर है ए इसकी लेंथ कितनी ए दूसरा वेक्टर है बी इसकी लेंथ कितनी बी और इनके बीच में एंगल थीटा अगर आप टेंथ क्लास की बात याद करो आपको इस पैरलोग्राम का एरिया चाहिए तो टेंथ क्लास में आपने एरिया ऑफ पैरलोग्राम निकाला है बेस इनटू हाइट निकाला है कि नहीं निकाला है पक्का ना अरे पक्का पता है बात ऐसे ही करा है हमने ठीक है अब देखो आपने क्या करा मैं बताता हूं आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया दिस इज हाइट और बेस कितना ए तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ जल्दी बताओ लिख सकता हूँ भाई बेस लेंथ इनटू हाइट बोलते जाओ बेटा अब आप देखो एक मिनट अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस ऐसा लिख सकता हूं लिख सकता हूं भाई जल्दी बताओ लिख सकता हूं तो एरिया कैन बी रिटर्न एज ए बी साइन थीटा एच की वैल्यू क्या डाल दी मैंने बी साइन थीटा डाल सकता हूं या नहीं ये आपने टेंथ क्लास में पढ़ा है पढ़ा है ना आपने सबने टेंथ क्लास में ऐसा सबने पढ़ा पढ़ाया बेटा टेंथ क्लास में ठीक है अब अब हम आते हैं दूसरी चीज पे ध्यान सुनना अगर मैं ऐसा करता हूं मैं एक क्वांटिटी निकाल रहा हूं एरिया वेक्टर और इसको मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो एक बात बताओ इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ए क्रॉस बी इस क्वांटिटी का डायरेक्शन ए क्रॉस बी किधर आ रहा है बाहर की तरफ डॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बताओ ये क्रॉस भी बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ और मैग्नीट्यूड इसका कितना है ए बी थीटा हाँ या ना तो अब ये क्या हो गया ये जो फिगर है ये ये जो चीज आ गई ये अब क्या हो गया एक एरिया वेक्टर हो गया जो कि कैसा है डॉट है डॉट मतलब कैसा बाहर की तरफ एक और चीज एरिया वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता था भाई इतना मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी आता एरिया वेक्टर कैन बी बी एज क्रॉस ए लेकिन अब एरिया का डायरेक्शन कैसा हो जाता क्रॉस क्रॉस बी ए या ना जल्दी बताओ क्रॉस आता कि नहीं आता और मैग्नीट्यूड अभी भी कितना आता अभी भी मैग्नीट्यूड कितना आता बी ए साइन थी साइन थीटा आता कि नहीं आता अब रुको एक मिनट तो हम क्या कह सकते हैं ध्यान सुनो पहले जो मैं लिख रहा हूं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफ़ेस जिसका आप एरिया निकाल रहे हो जिसका आप एरिया निकाल रहे हो उस सरफ़ेस के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है वो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है क्लियर इतनी बात एरिया वेक्टर जिस भी सरफ़ेस का आप एरिया निकाल रहे हो उसके क्या होता है परपेंडिकुलर होता है बस अब परपेंडिकुलर की दो डायरेक्शन है या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ तो एरिया वेक्टर की दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है डिपेंड करेगा सवाल में कौन सी डायरेक्शन हमें लेनी है जब सवाल आएगा क्लियर है अरे क्लियर है निकम्मो ठीक है तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या कहते हैं सरफेस ठीक है, है. प्राचीन डॉट प्रोडक्ट में थीटा ही आता है काफी पढ़ लिया हमने से दो दिन है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट पे ध्यान दो जो अब पढ़ रहे हैं तो अब मैं क्या कह रहा हूँ एरिया वेक्टर हमारा क्या हो गया सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ क्लियर है भाई अब एक मिनट कुछ बच्चों का डाउट है मैं देख लू क्या डाउट है थीटा कैसा है मैंने ए बी साइन थीटा लिखा है थीटा तो नहीं लिखा मैंने आज अगर मैं तो साइन थीटा लिखा था कि नहीं लिखा था और डॉट में ए बी क्रॉस थीटा होता है तो होता है उसमें क्या करेगी वो तो कल पढ़ लिया हमने प्राची डॉट प्रोडक्ट वाला तो उसके लिए क्यों परेशान है उसका कोई पर्पस बनता है यहाँ पर ए डॉट बी ए बी क्रॉस थीटा होता है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है इतना ध्यान रखना है क्लियर है अब तो एरिया आ गया इसी तरीके से अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो वो भी निकाल लेते हैं नोट कर लिया सबने नोट कर रखा है अरे नोट कर रखा है भाई ठीक अभी तेज तो क्या अभी तक क्या कहानी बना रहे थे इतनी देर से जब मैं बैठा हूं जल्दी नोट करो इसे जल्दी नोट करो कर लिया नोट नोट कर लिया भाई चलो अब अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है ये ए वेक्टर, इसकी लेंथ ए ये बी वेक्टर, इसकी लेंथ बी और इसके बीच में एंगल थीटा तो अब अगर टेंथ क्लास वाला रिजल्ट देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट तो मैं हाइट बना देता हूं ये बना दिया मैंने ये हाइट हो गया यानी कि एरिया इज इक्वल टू हाफ ए इंटू एच अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल देखूं तो साइन थीटा इज एच अपॉन बी तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जल्दी बोलो बेटा अब अब अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूं तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ए क्रॉस बी अब ए क्रॉस बी करने पे डायरेक्शन क्या आ गया इसका डॉट आ गया डॉट मतलब किधर बाहर की की तरफ तरफ मैं ऐसे भी कह सकता हूं, area of triangle is half B cross A. इस केस में direction कैसा आ गया? Cross आ गया गया मतलब अंदर की तरफ। ये सुनो जल्दी बोलो भाई तो ट्राइंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से भी आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ हाँ मैंने ये बात जरूर बोली कि, कि किसी भी सरफेस का जो एरिया होगा उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल है या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मतलब एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस जो सरफेस है जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा अंदर की तरफ या बाहर की तरफ दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्लियर है भाई क्लियर है बच्चों अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे पहले तब आगे बात करेंगे नोट कर लिया सबने कर लिया नोट जल्दी करो संचेत जल्दी नोट करो संचेत कर लिया भाई डन ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान सुनना अब क्वेश्चन दे रहा हूं सब लोग करेंगे ठीक है इफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर डायगोनल वेक्टर्स ऑफ पैरलोग्राम पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर डायगोनल वेक्टर्स ऑफ पैरलोग्राम ठीक है वेक्टर और क्यू वेक्टर पैरलोग्राम के डायगोनल वेक्टर हैं देन प्रूव दैट एरिया वेक्टर ऑफ पैरलोग्राम इज इक्वल टू हाफ पी क्रॉस क्यू हाफ पी क्रॉस क्यू ये आपको प्रूव करना है ठीक है भाई करना चाहोगे या मैं कराऊं? करना चाहोगे मैं कराऊं? एक बार समझा देता हूं आपको मेरी बात सुनो। यू है पैरलोग्राम ये आपके पास पैरलोग्राम है ध्यान सुनना पहले मैं समझा दूं क्वेश्चन क्या है ये हमारे पास पैरलोग्राम है उसने कहा ये वेक्टर हमारे पास ये P वेक्टर है और ये हमारे पास Q वेक्टर है तो इस पैरोोग्राम का जो एरिया वेक्टर होगा वो हाफ P क्रॉस Q होगा ये आपको प्रूव करना है क्लियर भाई क्लियर बेटा अब रुको कैसे प्रूव करोगे सुन लो एक मिनट अगर मैं इसको ए वेक्टर कह देता हूं और इसको बी वेक्टर कह देता हूं तो एरिया ऑफ पैरोलोग्राम इज बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इनमें से कोई भी आ सकता है कि नहीं आ सकता जल्दी बताओ हाँ या ना यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने एरिया ऑफ पैरोलोग्राम इज बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी तो अगर मैं इस चीज को ये जो लिखा है मैंने इसको या तो ये प्रूव कर देता हूं या ये प्रूव कर देता हूं तो प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी बताओ हाँ या ना ठीक है तो यही काम करना आपने करके दिखाओ मुझे करके दिखाओ इस चीज को या तो ये बना के दिखाओ या ये बना के दिखाओ करना चाहोगे करना चाहोगे ट्राई करो आ गया किसी का किसी का आंसर आया आया किसी का आंसर भाई चलो मैं बताता हूं देखो भाई आप ऐसे देखो आप राइट right साइड में पी वेक्टर को लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं यानी पहले बता दो मुझे लिख सकते हो बेटा कि नहीं जल्दी बताओ पी वेक्टर इज डायगनल वेक्टर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी अच्छा और क्यू वेक्टर को आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ओ नो जल्दी बताओ माइनस बी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ लिख सकते हैं मैं हमने करा था दूसरा डायगनल दोनों का डिफरेंस होता है पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अब मैं राइट right साइड में राइट हैंड साइड में वैल्यूज डाल देता हूं हाफ ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं अगर ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाए या ये आ जाए तो इसका मतलब क्या कहते हैं ये एरिया वेक्टर के बराबर है यस ओ नो जल्दी बोलो बेटा ठीक है करके देखते हैं अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है करके देखते हैं दिस कैन बी रिटर्न एज हाफ ए क्रॉस ए मैं हर टर्म लिखूंगा भाई प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए ठीक है प्लस बी क्रॉस बी इसमें कोई दिक्कत है किसी को किसी को दिक्कत है बेटा जल्दी बोलो किसी को डाउट है इसमें नहीं है है ना कोई डाउट नहीं है अब एक मिनट सुनो ये ज़ीरो होगा होगा ज़ीरो होगा ज़ीरो या नहीं जल्दी बोलो जल्दी बोलो ए क्रॉस ए ज़ीरो होगा कि नहीं होगा होगा ये बी क्रॉस बी भी क्या होगा जीरो होगा या नहीं होगा अच्छा 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 एक मिनट बेटा गलती हो गई गलती हो गई ये ना यहां जल्दबाजी में गलत कर दिया रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 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 जा। दोबारा कर लेते हैं ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी अब कोई दिक्कत है बेटा किसी को किसी को दिक्कत है भाई अब देखो कोई डाउट है किसी को जल्दी लो बोलो बेटा कोई डाउट है नहीं है ठीक है अब अब आपको एक बात पता है ए क्रॉस ए क्या होता है जीरो बी क्रॉस बी भी क्या होता है जीरो अब आपके पास क्या लिखा हुआ है हाफ माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए आपने क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहां पर लिख रहा हूं मैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई जल्दी बताओ पढ़ा था ना तो आप माइनस साइन इधर भेज दो माइनस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो बी क्रॉस ए लिख सकते हो तो यहां पर डाल दो तो क्या हो गया हाफ बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए अब ये डबल हो जाएगा टू से टू कट जाएगा तो ये आया क्या बी क्रॉस ए आया कि नहीं आया फाइनल रिजल्ट एंड विच इज वॉट एरिया ऑफ पैरलोग्राम प्रूवड यसू हो गया प्रूव के नहीं हो गया अब अगर आपने टेंथ क्लास ढंग से पढ़ी होती ना तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए था आपने पढ़ी नहीं थी अभी मैं बताता हूँ टेंथ क्लास में कैसे करा था हमने इसे नोट कर लिया सबने नोट कर लिया भाई कर लिया नोट निकमो बच्चों कर लिया जल्दी से नोट करो नोट करो एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ अगर टेंथ क्लास पढ़ी होती ना ये ना करना पड़ता मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता था क्योंकि तो हमने टेंथ क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं करी करता ही नहीं कोई भी नोटेड डाउन नोट कर लिया सब लोगों ने बच्चों बच्चों नोट कर लिया ठीक है बहुत बढ़िया चलो अब देखो भाई अब मेरी बात सुनो अगर हमारे पास रॉमबस है बेटा क्या है रोमबस मैं टेंथ क्लास वाला तरीका बता रहा हूं आपको रॉमबस है और ये इसका डायगोनल वन और ये इसका डायगोनल टू ठीक इतनी बात तो शायद आपको पता है रॉमबस के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं पता नहीं बात पता है या नहीं पता है? जल्दी बताओ टेंथ में पढ़ा था शायद हमने और एरिया ऑफ रोमबस एरिया ऑफ रोमबस इज हाफ डायनल वन इंटू डायगनल टू ऐसा होता है कि नहीं होता है कितने लोगों को पता ये बात जिनको नहीं पता वो लिख दो भाई हमें नहीं पता ये बात जिनको नहीं पता वो लिख दो मुझे नहीं पता ये मतलब डाउट लिख दो पता है पता है कोई ऐसा तो नहीं जिसको नहीं पता हो नहीं पता हो तो भाई बता दो मुझे चलो सबको पता है वेल एंड गुड बढ़िया अच्छी बात है अब सुनो एक मिनट अब एक चीज देखो इसको मैं लिख सकता था देखना एक मिनट हाँ? हाफ डी वन वेक्टर क्रॉस डी टू अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाओ तो ये आएगा हाफ़ d1 का मैग्नीट्यूड d1 d2 का d2 साइन 90 सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा जल्दी बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब एक्चुअल में रोमबस इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरालग्राम रोमबस इज स्पेशल केस ऑफ पैरालग्राम अगर ये पैरालग्राम होता ये

तो इसको इसी वजह से हमने क्या लिखा एरिया वेक्टर इज हाफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर ये क्यूर में बता देना चाहिए था आपको देखो यही काम तो करा मैंने पिछले पेज पे अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ पी क्रॉस क्यू इसी को मैंने बाद में एरिया वेक्टर के बराबर प्रूव करा कि नहीं करा अरे वेक्टर नहीं था तो ट्रिग्नोमेट्री तो थी टेंथ में मैंने कब का वेक्टर से प्रूव करो अगर ये फॉर्मूला आपको बताया जाता तो मैं डायरेक्टली लिख पाता कि नहीं लिख पाता यहां पर मैं क्यों इतना बड़ा प्रूव करता pq sin थीटा को p क्रॉस q लिख देता और डायगनल वाला तो पता भी है तुम्हें हाफ d1 d2 पता कि नहीं पता है तो ये क्यों बताया था फिर ये कैसे आ गया था इसको कैसे प्रूव करा था एरिया ऑफ रंबस इज हाफ d1 d2 कैसे प्रूव करा था इसे बोलो इसको ही प्रूव कर देता हूं देखो ये एक ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ ये d1 2 और ये d2 2 और ऐसे कितने हैं चार हैं ठीक इतनी बात ये देखो चार कट गया आ गया एरिया हर चीज का प्रूफ है ठीक है नोट कर लिया भाई सबने ये नोट कर लिया बेटा कर लिया भाई अब अब एक चीज ध्यान दो मैंने आपको वेक्टर के क्वेश्चन दिए थे कुछ दिए थे याद है अरे दिए थे ठीक है अब मैं क्वेश्चंस कुछ और बढ़ा रहा हूं पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं नोट कर लिया ये एक क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज रूट थ्री टाइम्स ए डॉट बी फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है कितना ए बी कॉस थीटा ए बी से ए बी कट गया टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री यानी कि थीटा इज इक्वल टू वट सिक्सटी डिग्री यसोनो स ओ नो चलो नोट कर लो अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं आप लोगों को मैंने आपको एक्सरसाइज वन से क्वेश्चन दिए थे याद है एक्सरसाइज वन से क्वेश्चन दिए थे ठीक है आपके पास पीडीएफ सबके पास है ना वो वाला जो मैंने दिया था उसी पीडीएफ के क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई बच्चों मैथमेटिकल टूल वाले पीडीएफ के ही क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि वेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है अभी थोड़ा सा बचा हुआ है दो दिन या तीन दिन का ठीक है इस हफ्ते टेस्ट है आप लोगों का कि नहीं इस हफ्ते टेस्ट है या नहीं नहीं है अगले हफ्ते आपका टेस्ट होगा कंप्लीट वेक्टर क्लियर है कंप्लीट वेक्टर टेस्ट होगा ठीक है ठीक है चलो अब आप देखो एक्सरसाइज वन क्वेश्चन फिफ्टी से स्टार्ट किया था शायद हमने याद है फिफ्टी से स्टार्ट किया था हमने और हम करते करते कहां तक पहुंच गए थे 50 से हमने 73 तक कहे थे पहले या एक काम करो मैं बता रहा हूं रुक जाओ देखो इसमें जो टेंशन वगैरह वाले सवाल है ना वो नहीं करने अभी एक काम करो बेटा मैं शाम को ना आपको टिक करवा दूंगा क्योंकि अभी तो अगर मैं इसमें से कराऊंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है शाम को क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे चले जाएंगे जो अभी मैंने पढ़ाए नहीं आपको ठीक है ठीक है तो शाम को मैं आप लोगों को टिक कराऊंगा ठीक है तो आज इतना ही रहने दो कल नया स्टार्ट करेंगे इसमें वेक्टर में रेजोल्यूशन ठीक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ संडे को टेस्ट होगा संडे को हाँ कल ऑफ है बेटा ठीक है संडे को पूरा ही क्या कहते हैं अगले संडे को जब टेस्ट होगा पूरा वेक्टर आएगा